उदयपुर जी, फिजिकल ट्रेनिंग ग्वालियर से। आज का जो मेरा स्पेशल वीडियो है वह है स्पीड वर्कआउट के ऊपर। स्पीड वर्कआउट जो लास्ट के, जब आपके भर्ती के लास्ट के 4 वीक पहले आपको क्या वर्कआउट करना है, मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि स्पीड वर्कआउट के ऊपर ही लास्ट के जब भर्ती आती है, अगर आपको ट्रायल में अगर 1600 मीटर के अंदर सही टाइमिंग चाहिए, अगर आपकी टाइमिंग रुक गई है, टूट रही है, तो आपको अगर टाइमिंग को तोड़ना है तो आपको सबसे विशेष ध्यान रखना स्पीड वर्कआउट के ऊपर, विशेष ध्यान रखो। क्या होता है कि बच्चे स्लो रनिंग के ऊपर ज्यादा, लॉन्ग रनिंग पे ज्यादा विश्वास करते हैं कि बच्चे, क्योंकि उसको आसान होता है करना। जब लेकिन आप स्पीड वर्कआउट करोगे तो आपको रिपिटेशन मारने पड़ेंगे, आपको फास्ट वर्कआउट करना पड़ेगा आपको टाइमिंग के अंदर, क्योंकि आपको टाइमिंग में आपको आना आएगा, तो टाइमिंग के अंदर, इसलिए टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना आपको। इसलिए क्या करना है, स्पीड वर्कआउट करना है आपको। स्पीड वर्कआउट करना क्या है आपको, मैं पूरा बताऊंगा आपको। आपको सोमवार को आपको क्या, मंडे को आपको क्या करना है, 400 मीटर के आपको क्या करना है कि आपको 8 रिपीटेशन मारने हैं आपको। ध्यान रखना 400 मीटर की 8 रिपीटेशन मारने हैं आपको मंडे को आपको, और हर रिपीटेशन के बीच में आपको जो रिकवरी टाइम जो रहेगा, रेस्ट टाइम जो रहेगा, वो आपका होगा 3 से 4 मिनट। ये विशेष आपको 3 मिनट जैसे हो जाए कंप्लीट तो तुरंत आपको खड़ा हो जाना वापस और रनिंग के तैयार हो जाना है आपको। और इसको जब आप दौड़ोगे 400 मीटर का एक चक्कर लगाओगे, राउंड लगाओगे, वो जो समय होगा 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपको आना आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, 1 मिनट 15 सेकंड से 1 मिनट 20 सेकंड के बीच में आपको आना है। और जो 8वां रिपीटेशन आप लास्ट मारोगे आप, उसका समय भी यही होना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना, नहीं कि लास्ट को एडजस्टमेंट कर, नहीं, आपको लास्ट मारने का समय भी इतना ही होना चाहिए, 1 मिनट 15 सेकंड से 20 के बीच में होना चाहिए। अभी अगर आप मंगलवार को आपको क्या करना है, आपको 10 मिनट आपको समय लगाना है, 10 मिनट आपको ऐसा वर्कआउट है, आपने कहीं भी आपने देखा नहीं, सुना नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। 10 मिनट में करना है कि आपको 10 मिनट आपको समय लगाना है और आपको ग्राउंड के अंदर दौड़ना है। और ये दौड़ते समय देखना कि 10 मिनट के अंदर आपको 7 चक्कर मतलब के 7 राउंड पूरे हो जाना चाहिए। 400 मीटर का जो आपको जो ग्राउंड है, आपका जो ट्रैक है, उसके ऊपर आपके 7 राउंड पूरे हो जाना चाहिए। और कोशिश कर रहा है आपको 7.5 राउंड पूरे करो, 7.5 राउंड आपने कंप्लीट कर लिए तो आपकी बिल्कुल 1600 मीटर के अंदर टाइमिंग बहुत अच्छी टाइमिंग बनने वाली है। आप दोस्तों अगर आपने 10 मिनट के अंदर 7.5 चक्कर अगर आपने ग्राउंड के लगा लिए, आप देखना कि आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी रहती है। तो आपको 7 तो आपको पकड़ना ही पकड़ना है, और कोशिश करनी है आपको 7.5 राउंड आप 10 मिनट के अंदर लगाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट रनिंग होने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 मिनट आपको रेस्ट करना है आपको, आपको करना 3 मिनट आपको रेस्ट करना है आपको। 3 से आप यहाँ पे जरूर पड़ने पर आप 3 से 5 मिनट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आप 5 मिनट भी रेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। रेस्ट करने के बाद आपको उसके बाद क्या वर्कआउट करना है आपको, 200 मीटर का आपको, 200 मीटर के आपको 4 रिपीटेशन मारने होंगे। वो मारने कैसे होंगे, ये ग्राउंड है आपको यहां से स्टार्ट करना है आपको रनिंग यहां से स्टार्ट करनी आएगी और यहां तक पहुंचना आपको यहां तक। तो आप 200 मीटर को जब यहां से आप स्टार्ट करोगे, आप रनिंग करते हुए यहां पहुंचोगे, जब यहां पहुंचोगे आप, जो यहां पहुंचने के बाद आपको क्या करना, यहीं पर 200 मीटर आपको माने, इसका जो समय होगा वो होगा आपको क्या, 27 से 30 सेकंड के बीच में आपको पहुंचना है। और यहीं पर आपको करना है, यहीं पर आपको 30 सेकंड यहां पर रेस्ट करना है आपको, यहां पर आपको क्या करना है, 30 सेकंड यहां पर रेस्ट करना है आपको, ज्यादा रेस्ट नहीं करना है आपको, क्या करना है, 30 सेकंड यहां पर रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद यहीं पर खड़े खड़े रेस्ट करना है, यहीं से बाप भी 200 मीटर रहेगा तो। इस प्रकार से आपको फिर यहां पर रेस्ट करना है, इस प्रकार से आपको 2 राउंड लगाओगे, आपके 4 क्या होंगे, आपके 200 मीटर के आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपको ये डालना है, ये रनिंग पहले 10 मिनट लगाना है, फिर 200 मीटर लगाना है, 200 मीटर के 4 रिपीटेशन मारने होंगे। समय कितना होगा आपको, 27 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में आना है आपको, यहीं पर 30 सेकंड खड़े रहना है, 30 सेकंड रेस्ट करना बिल्कुल, बस 30 सेकंड रेस्ट करो और वापिस आप पहुंचो। इस प्रकार से आपको 200 मीटर के 4 रिपीटेशन करना है। अभी आ जाओ आपको बुधवार को क्या करना है, बुधवार को आपको करना है आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है, स्लो फास्ट रनिंग जो मैंने आपको बताया है, स्लो फास्ट रनिंग करनी है। 4 वीक है, 4 वीक के अंदर क्या करना है, 2 वीक में आपको क्या करना है आपको, इस प्रकार से यहां पर ये जो चक्कर है ये, इसको क्या करना है आपको, फास्ट दौड़ना है और यहां पर क्या करना है, स्लो दौड़ना है। यहां पर ये जो आपका जो कर्व बनता है इसके अंदर आपको स्लो दौड़ना है, इसमें फास्ट दौड़ना है। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, ये स्थान चुनना है आपको, ये जगह चुनना है। और सेकंड अगले वीक में क्या करना है आपको, यहां पर क्या करना है आपको, स्लो इसमें आपको क्या है, कवर करना है आपको, इस वाले यहां पे 100 मीटर लेना है, यहां पे आधा चक्कर, यहां फास्ट,
यहाँ फास्ट, यहाँ पे बीच में स्लो चलना है आपको। जो पहले बीच में जो आपका करोगे आप, यहां से आपने स्टार्ट किया फास्ट बढ़ाई, यहां तक आए आप, यहां तक आए, यहां से आप स्लो रनिंग करोगे, पर यहां पहुंचोगे ये फास्ट, ऐसे करने आपको 1600 1600 मीटर के, मतलब कंटिन्यू आपको क्या करना है, आपको चार राउंड मारने, आपको क्या करना है, आपको चार राउंड मारने, आपको चार राउंड मारे आपने स्लो फास्ट चार राउंड मारे, 1600 मीटर आपको कंप्लीट करना है। इस प्रकार से फिर क्या करना है, 5 मिनट की रिकवरी लेनी है आपको, 5 मिनट की रिकवरी के बाद आपको करना है वापिस दोबारा 1600 मीटर, मतलब कि इसमें 1600 मीटर का मतलब है चार राउंड जो आप मार रहे हो उसमें क्या करना है, शुरू के फर्स्ट वीक में क्या करना है आपको, यहाँ कवर करना है इसको, इस पट्टी को आपको फास्ट दौड़ना है, अगले जो वीक जो आएगा नेक्स्ट वीक में आपको क्या करना है, बुधवार को आपको यहाँ पर आप स्लो रनिंग करोगे, इस एरिया में आप फास्ट रनिंग करोगे, क्योंकि क्या होता है कि आपको इस एरिया में फास्ट रनिंग करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो रनिंग यहाँ पे सभी बंदे फास्ट दौड़ते हैं, जो बंदा यहाँ पर तकरीबन क्या होता है स्लो दौड़ते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे फास्ट दौड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हम स्लो फास्ट रनिंग में क्या करेंगे, हर वीक में एक वीक में क्या करेंगे, हम इस पट्टी को पकड़ेंगे और अगले वीक में क्या करेंगे इस पट्टी को पकड़ेंगे। इस प्रकार से हमारे ये स्लो फास्ट का आपका क्या होगा, आपका वर्कआउट रहेगा, और इसमें जो समय रहेगा ये जो आपका होता है ये जो रिकवरी समय रहेगा ये 5 मिनट का रहेगा, ये ध्यान रखना है। अभी हम नेक्स्ट लेते हैं, यहां से बताऊंगा मैं थर्सडे, मतलब कि बुध आपको गुरुवार को करना है क्या आएगा, आपको 1200 मीटर के आपको दो, 800 मीटर के दो, 300 मीटर के दो, ध्यान रखना देखो 1200 के दो, 800 के दो, 300 के दो, आपको ये करना है कि इसको जो आप दौड़ते समय जो इसका समय जो होगा आपको हर रिपीटेशन के बीच में आपको क्या करना है, आपको 3 से 4 मिनट का रेस्ट करना है आपको, और जो इसका समय रहो 4 मिनट से 4:10 तक, मतलब कि जो आप 1200 मीटर लगाओगे 4 मिनट के अंदर 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना आएगा, और 800 मीटर को आपको जो कंप्लीट करना है आपको करना आएगा 2 मिनट 40 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक आपको आना आएगा, और जो इसके अंदर रिकवरी आप लोगे वो 2 से 3 मिनट की रिकवरी लेनी है आपको। हाँ, रिकवरी का विशेष ध्यान रखना आपको, यहाँ पर लेना 300 मीटर जो आपको कंप्लीट करना आएगा 45 से 50 सेकंड के बीच में, 45 से 50 सेकंड के बीच में आपको 2 से 3 मिनट की आपको रिकवरी आपको लेनी है। आपको रिकवरी का विषय ध्यान रखना, ज्यादा रिकवरी 3 मिनट के ऊपर ना जाए, अगर आपकी ज्यादा सांस नहीं फूल रही तो आप 2 मिनट की ही रिकवरी ले। हाँ, यहां से अभी तो मैं फ्राइडे, मतलब कि आपको आपको करना क्या है, यहाँ पर वहां हमने जो मंगलवार को हमने क्या किया था 10 मिनट लगाया था, यहाँ उसका उल्टा होगा, यहाँ आपको क्या करना है 7 राउंड लगाने हैं आपको ग्राउंड के, आपको फुल स्पीड में आपको क्या करना है, आपको 7 राउंड, जिसको हम लॉन्ग रनिंग भी कह सकते हैं, मतलब आप लॉन्ग रनिंग कहते हो, लॉन्ग रनिंग हम 1600 मीटर में इस प्रकार से करते हैं, आपको 7 राउंड दौड़ने अपनी ताकत से पूरा आपको फुल स्पीड में आपको, और ये जो रहना 7 राउंड आपको कवर कितने मिनट में करने हैं, आपको 10 मिनट के अंदर कवर करने हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको टाइम देता हूँ 10 से 12 के बीच में आपको 7 राउंड आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ये ध्यान रखना आएगा आपको, यहाँ पर आपको 7 राउंड 10 से 12 के बीच में आपको मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, आपको 5 मिनट की आपको यहाँ पर रिकवरी करनी है, आपको 5 मिनट की रिकवरी के बाद हमें हम ये देंगे 100 मीटर के रिपीटेशन मारेंगे हम, 100 मीटर के जो आप रिपीटेशन मारोगे आप कितने मारोगे 13 से 15 के सेकंड के बीच में, आप 13 से 15 के सेकंड के बीच में आपको 8 रिपीटेशन मारने हैं आपको, आपको यहाँ पे यहां से जाओ आप आ जाओ शनिवार को, शनिवार को आपको करना है क्या है, आपको 600 मीटर के, आपको 600 मीटर के 3 मारने आपको रिपीटेशन मारने आपको, और वो भी कैसे करना आपको 1 मिनट 50 सेकंड से लेकर 2 मिनट 5 सेकंड के बीच में आपको 600 मीटर के 3 और 400 मीटर की भी आपको 3 लगाने, इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट 25 सेकंड के बीच में आपको आना है इसके अंदर बैठने का, और जो इसके बाद इसके अंदर जो रिकवरी जो आप लोगे जो आप इसमें रेस्ट टाइम जो रहेगा वो आप जितना आप रिकवरी लोगे वो 2 से 3 मिनट के अंदर 2 से 3 मिनट आपको रिकवरी रहनी हर रिपीटेशन के बीच में ध्यान रखना आएगा, और यहाँ पर 200 मीटर के भी आपको 2 मारने हैं वो 28 से 30 सेकंड के बीच में आना है आपको, और 100 मीटर के भी आपको 2 लगाने रिपीटेशन लगाने हैं वो भी आपको 12 से 14 के बीच में, जो इसमें जो रिकवरी टाइम रहेगा वो 2 से 3 सेकंड के बीच में रहेगा। ये हो गया हमारा आपका 6 दिन का वर्कआउट, और संडे को आपको फुल रेस्ट करना है आपको, ध्यान दोस्तों इसमें आपको कोई गेम भी नहीं करना है, आपको कोई वर्कआउट नहीं करना है, आपको रिकवरी लेनी है आपको बॉडी को, क्योंकि हम पूरे 6 दिन हम स्पीड वर्कआउट करते हैं और संडे को हमें फुल रेस्ट करना है। अभी इन्हीं के क्या होता है पूरे 6 के
जो हम इवनिंग में हम क्या करें, इवनिंग में दोस्तों ज्यादा आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको इवनिंग में करना क्या, आपको वही 20 मिनट आपको स्लो रनिंग करनी है। एबीसी एक्सरसाइज पे आपको 4 दिन जोर देना, आपको 4 दिन आपको एबीसी एक्सरसाइज प्लस कोर एक्सरसाइज के ऊपर आपको 4 दिन जोर देना है। 2 दिन आपको करना क्या है, आप मंगलवार को और शुक्रवार को आपके पास जो भी आपके या कोई पुल हो या कोई पहाड़ी हो, हिल रनिंग में जहां आप 300 से 400 मीटर की आपकी खड़ी चढ़ाई पड़ती हो, उसके ऊपर क्या करना है, इवनिंग में आपको 4 से 5 आपको वहां पर आपको उस पर रनिंग करनी है, आपको वो भी आपको ऊपर तक जाना है और उसमें वापस आना आएगा, मतलब कि आपको हिल रनिंग करनी है आपको, जिसमें आपको 300 से 400 मीटर आपको कंटिन्यू आप ट्राई करो, रनिंग करते हुए आप वहां टच करने के बाद वापस नीचे आए, और ध्यान रखना कि ऊपर रिकवरी नहीं लेनी है, नीचे आपके आने के बाद आपके 5 मिनट की रिकवरी लेनी है आपको। तो आपको 2 दिन हिल रनिंग करनी है, 4 दिन आपको स्लो, आपको 20 मिनट स्लो रनिंग करनी है, एबीसी एक्सरसाइज करनी है, कोर की एक्सरसाइज पे आपको विशेष जोर देना है आपको, ये ध्यान रखना। यो इस प्रकार से आपको ये स्पीड वर्कआउट को आपको कंप्लीट करना है। लास्ट के समय में आप देखोगे इस वर्कआउट को करने के बाद आपके 2 वीक बाद ही आप देखोगे कि आपके अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है। अगर ये वर्कआउट आपको अच्छा लगता है, अगर लगता है तो इसको, ये वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक पक्का करें, शेयर पक्का करें इसको। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।